हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद झबरेड़ा विधायक देशराज कंडवाल का रुड़की पहुंचने पर लोगों ने भव्य स्वागत किया है। इस मौके पर बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ स्थानीय लोग भी मौजूद रहे और उनकी जीत पर खुशी जाहिर की है। इस मौके पर विधायक देशराज कंडवाल ने कहा कि उन्हें आज ऐसा लग रहा है कि 14 साल का वनवास काट करके वो आए हों, क्योंकि पिछले 14 सालों से उन्हें कुछ लोगों के द्वारा प्रताड़ित किया जाता था। तभी उनसे जाति प्रमाण पत्र, कभी मूल निवास प्रमाण पत्र के नाम पर परेशान किया जाता था और अब हाईकोर्ट ने उन्हें प्रमाण पत्रों के मामले पर बड़ी राहत दे दी है और अब वह अपनी विधानसभा के लोगों का काम तेजी से करेंगे, क्योंकि उनकी सेवा करना मेरा फर्ज है और अब वह पूरी तरह से संतुष्ट हैं। वहीं उन्होंने चैंपियन पर भी कटाक्ष करते हुए कहा कि चैंपियन को अब मूछें कटवाने की सलाह नहीं देंगे, वह उनके बड़े भाई हैं। देखिए, 14 साल का वनवास मेरा पूरा हुआ है, इसमें मैं माननीय उच्च न्यायालय का, लोकतंत्र के मंदिर शासन का आभार प्रकट करता हूँ कि 14 साल से ये तंस मैं झेल रहा था। जाति प्रमाण पत्र को लेकर मेरी राज्य निर्वाचन आयोग में 2005 में 6 में शिकायत की गई, वहाँ से मैं बरी हुआ। उसके बाद लगातार मेरी शिकायतें की जा रही थी और जिला स्क्रूटनी कमेटी और प्रदेश की हाई लेवल की कमेटी ने अब निर्णय दिया। उसके बाद माननीय उच्च न्यायालय से निर्णय आया, अब 14 साल का ये वनवास है मेरा पूरा हुआ। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद सभी राजनीतिक पार्टियां तैयारियों में जुट गई हैं। सत्ताधारी भाजपा ने भी चुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं। विधानसभा, लोकसभा व स्थानीय निकाय चुनावों में दमदार सफलता के बाद भाजपा के लिए पंचायत चुनाव अधिक अहम है। प्रदेश भाजपा कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट की अध्यक्षता में हुई बैठक में पंचायत चुनाव की रणनीति पर मंथन किया गया है। बैठक में प्रदेश ने कहा है कि पंचायत चुनाव में भी पार्टी को ऐतिहासिक सफलता मिलेगी और कांग्रेस का सूपड़ा साफ होगा। पूरी तैयारी है, हम लोगों ने तो एक कमेटी जिस दिन प्रदेश कार्य समिति ऋषिकेश में की थी उसी दिन घोषित कर दी थी। धन सिंह जी, नरेश बंसल जी, पुष्कर धामी जी, ये जो पुराने लोग हैं इन सबको, नीरू देवी जी, सब मिला के करीब करीब 5 लोगों की समिति हमने बनाई जो पूरी निगरानी कर रही है, देखरेख कर रही है। और आज भी हमने 3-3 लोग और उनके साथ जिला अध्यक्ष, यानी कि 4 लोगों की टीम पैनल लेने के लिए गई है। डेंगू को लेकर प्रदेश भर में हाहाकार मचा हुआ है। हर दिन इस बीमारी के दर्जनों नए मामले सामने आ रहे हैं और कई लोगों को अपनी जान तक गंवानी पड़ रही है। सरकारी से लेकर निजी अस्पतालों तक मरीजों की भारी भीड़ दिख रही है, लेकिन राजनेता डेंगू की समस्या के समाधान ढूंढने की ओर बजाय एक दूसरे के घर में डेंगू का मच्छर देख रहे हैं। बता दें, कांग्रेस डेंगू को लेकर लगातार सरकार पर हमलावर है, वहीं सरकार में बचाव में संगठन भी खुलकर सामने आ गए हैं। इस पर प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट ने कहा है कि कांग्रेस को हर जगह सियासत दिखाई पड़ती है, सरकार पूरी मुस्तैदी से डेंगू से लड़ रही है। देखिए, डेंगू गंभीर समस्या है और राजनीति भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं हो रही है। हमारी सरकार बहुत गंभीरता से काम कर रही है। जो लोग कुछ नहीं कर रहे हैं वो हल्ला गुल्ला कर रहे हैं। विपक्ष के लोग बहुत गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं और मुख्यमंत्री जी ने कोई बात कही है तो उसको भी पॉलिटिकली ले रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने जो कल बात कही उसमें उनका कहने का आशय ये था कि भाई देखो, सरकार को तो कष्ट होता ही है, सरकार तो रात दिन काम कर रही है, ऐसी थोड़ी बात है। हर चीज़ की मॉनिटरिंग खुद सीएम साहब कर रहे हैं। जो उन्होंने शब्द बोला है उसमें कोई ऐसी वैसी बात नहीं थी, कहीं पर कोई दिक्कत हो उसको भी राजनीतिक मोड़ दे दिया लोगों ने। इसलिए ये राजनीति करने का अवसर नहीं है, बल्कि सबको एक साथ रह के इसका मुकाबला जो सरकार कर रही है उनके कंधे से कंधे मिलाकर चलना चाहिए ऐसे अवसरों पर। रुड़की के गंगा नहर कोतवाली के अंतर्गत तेलीवाला गांव में बीते दिनों ड्रग विभाग सहित कई विभागों के अधिकारियों ने संयुक्त रूप से छापेमारी की थी, जिसके बाद रुड़की गंगा नहर पुलिस ने पकड़े गए 3 आरोपियों को जेल भेज दिया था। वहीं पकड़े गए आरोपियों में मेडिकल स्वामियों के साथ एक डॉक्टर भी शामिल है। कोतवाली गंगा नहर के कोतवाल ने बताया कि संयुक्त रूप से शहर में कार्रवाई की गई थी, जिसमें 3 आरोपियों को
न्यायालय में पेश करके जेल भेजा जाएगा। पुलिस ने इन्हें नारकोटिक दवाएं रखने और बिना किसी लाइसेंस के प्रैक्टिस करने के आरोप में विभिन्न धाराओं में चालान की कार्रवाई कर जेल भेजा है। ड्रग डिपार्टमेंट की ओर से एक छापेमारी की कार्रवाई की गई थी तेलीवाला गांव में, उसमें पुलिस को भी शामिल किया गया था साथ में। तो तीन केमिस्ट जो दुकान चलाते हैं उन लोगों को रेड किया गया, तो पाया गया कि उन तीनों के पास में दवा बेचने के लिए वैध लाइसेंस नहीं था। उनके विरुद्ध ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में भी कार्रवाई की गई है और उनमें से एक व्यापारी के खिलाफ NDPS एक्ट में भी कार्रवाई की गई है, क्योंकि नशीले कुछ इंजेक्शन भी पाए गए हैं। उन तीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आज उन्हें कोर्ट में पेश करके माननीय न्यायालय प्रस्तुत करके जेल भेजा जाएगा। उत्तराखंड के रुद्रपुर में तमंचा लहराते और फायरिंग करते 5 युवकों का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी चर्चाओं में है। वीडियो में 5 युवक खड़े हैं, जिसमें से 2 युवक तमंचे से फायरिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही 5 युवकों द्वारा लोगों को तमंचा खरीदने की सलाह भी दी जा रही है। वीडियो वायरल होने के बाद ASP ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। ASP ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है, इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया पर इन दिनों ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है। ASP ने मामले की जांच के आदेश भी दे दिए। आपको बता दें, तमंचा लहराते हुए ये वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें तमंचा खरीदने की सलाह भी दी जा रही है। और साथ ही साथ ये भी सलाह दी जा रही है कि 2500 की जगह 5000 वाला तमंचा खरीदें। वीडियो में देखिए किस तरह से यहाँ पे इनको प्रशासन का डर नहीं है और किस तरह से ये तमंचा लहरा करके गोलियां चला रहे हैं और साथ ही साथ जनता को सलाह दे रहे हैं कि 2500 की जगह 5000 का फोन मत खरीदो, 5000 वाला और अपने हिंदू दल तमंचा खरीदने की सलाह दी जा रही है। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता शाहिद खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शाहिद, क्या कुछ कार्रवाई हुई अभी तक इस मामले पर? बताना चाहूंगा, सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें 5 युवक खड़े हैं और जिसमें 2 युवक तमंचे से फायरिंग कर रहे हैं और आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं कि 5000 रुपए का मोबाइल ना खरीदे, 2500 रुपए का तमंचा खरीदे। इसी को लेकर रुद्रपुर के अंदर सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा था। तो उसका वीडियो वायरल होने के बाद जो यहाँ के ASP हैं देवेंद्र बंजा जी, उन्होंने इस मामले को संज्ञान लिया और इसमें जांच के आदेश दिए हैं कि ये पता लगाया है कि वीडियो है कहाँ का और ये लोग कौन है। तो अभी तक ये जानकारी नहीं हो पाई कि इस वीडियो में कौन कौन है। जी बिल्कुल, अभी इस ये साफ तौर पे क्लियर नहीं हो पाया है कि वीडियो में कौन कौन लोग हैं और ये वीडियो है कहाँ का, अभी ये पुष्टि नहीं हो पाई है कि ये वीडियो क्या उधम सिंह नगर का है। ये लगभग 4 दिन से लगातार सोशल मीडिया पे ये वीडियो वायरल हो रहा है, लगातार कई ग्रुपों में वीडियो वायरल। शायद 4 दिन बीत जाते हैं लेकिन 4 दिन में भी ये पता नहीं चल पाता कि ये कौन है आरोपी और इनके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। जी बिल्कुल, पुलिस के द्वारा जो एडिशनल SP है उन्होंने एक जांच के आदेश दिए हैं, अपने जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द इसका पता लगाया जाएगा कि वीडियो है कहाँ का, अभी ये कंफर्म नहीं हो पाया कि। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन सभी जानकारी के लिए। तो 5 युवकों का ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, इसमें तमंचा लहराते हुए युवक दिख रहे हैं। आपको बता दें 4 दिन पुराना ये वीडियो बताया जा रहा है। ASP ने जांच के आदेश दे दिए हैं, अभी तक पता नहीं चल पाया कि युवक कहां के हैं और कौन है। 25 रुपए का कट्टा खरीदो और बोलो और उसके बाद सामान लोड करो। शहर के मुख्य मार्गों पर ई रिक्शा की रेल फिर से दौड़ने लगी है। सरकार द्वारा मुख्य सड़कों पर इनका संचालन प्रतिबंधित किए जाने के बावजूद पुलिस विभाग और परिवहन विभाग ई रिक्शा पर लगाम लगाने में फेल साबित हो रहा है। सरकार ने बीते 28 अगस्त को देहरादून पुलिस के प्रस्ताव को हरी झंडी दिखाई थी, जिसमें शहर के मुख्य मार्गों पर ई रिक्शा को नो एंट्री होनी थी, लेकिन पुलिस परिवहन अपने ही प्रस्ताव पर पालन नहीं कर पाया, जिस कारण शहर में फिर से जाम की स्थिति बन गई है। वहीं ARTO का कहना है कि अगर कोई रिक्शा मुख्य मार्गों पर दिखाई देता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। और देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राज्य में जल्द खुलेगा प्रदूषण जांच केंद्र। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर, राज्य में जल्द खुलेंगे प्रदूषण जांच केंद्र।
तेल उद्योग के राज्य समन्वयक मनोज जयंत ने दिए हैं निर्देश। आपको बता दें सभी पंप संचालकों को 15 दिनों में जांच केंद्र खोलने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ पेट्रोल पंप मालिकों ने भी जल्द कार्रवाई का दिया है भरोसा। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर, आपको बता दें राज्य में जल्द खुलेंगे प्रदूषण जांच केंद्र। तेल उद्योग के राज्य समन्वयक मनोज जयंत ने दिए हैं निर्देश। सभी पंप संचालकों को 15 दिनों में जांच केंद्र खोलने के दिए गए हैं निर्देश। चमोली में श्राद्ध पक्ष में बद्रीनाथ धाम का एक अलग ही महत्व होता है, जिस कारण देश के कोने कोने से श्रद्धालु बद्रीनाथ धाम पहुंचते हैं और अपने पितरों की मोक्ष की प्राप्ति के लिए यहां अंतिम बार पिंडदान करते हैं। वहीं पितृ तर्पण के लिए बद्रीनाथ ब्रह्म कपाल में पितृ तर्पण से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। यहाँ पर अंतिम बार ही पितरों का पिंडदान किया जाता है। जब यहाँ पिंडदान कर देते हैं उसके बाद कहीं भी पिंडदान की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पर भगवान शिव के त्रिशूल से ब्रह्मा जी का सर अलग हो गया था, जिसके बाद शिव भगवान को ब्रह्म हत्या से मुक्ति मिल गई थी। इसलिए यहाँ तर्पण और पिंडदान करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इन दिनों हर जगह रामलीलाओं की तामील चल रही है, मगर कुमाऊं में होने वाली रामलीलाओं की बात कुछ और ही है। कुमाऊं की खासियत यह है कि जिसमें शास्त्रीय संगीत और आधारित रागों और धुनों में संवाद अध्यागी की जाती है। वक्त के मुताबिक इन दिनों कई बदलाव आए हैं, फिर भी लोगों के बीच रामलीलाओं की लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई है। नैनीताल में रामलीला में युवाओं के जोश के उत्साह और अवधि भाषा में लिखे चंद राग रागियों पर आधारित संगीत की वानगी पेश करते हैं। इन रामलीलाओं में राग विहाग जय जय वांती राधे श्याम के अलावा कई रागों में गाई जाती है, जो मैदानी इलाकों की रामलीला से कई अलग होती है। रामलीला के कलाकार भी इसमें कई बदलाव कर दर्शकों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके बाद रामलीलाओं में मंच पर अभिनय करना होता है, जिसका इंतजार कुमाऊं के हर व्यक्ति को रहता है। राम सेत सभा नैनीताल बड़ा बाजार की जो ये रामलीला है, इसका इतिहास करीब 100 वर्षों से पुराना है और विगत 2.5 महीने से ज़्यादा हो गया है बच्चों को तालीम देते हुए। बहुत सुंदर तरीके से बच्चे अभिनय कर रहे हैं कि उन बच्चों का आकर्षण अपने प्राचीन उनको जानने की ओर है कि वो कैसे वो तालीम रागों को गाया करती थी, कैसे वो अभिनय को। और सबसे बड़ी ये जो उत्तराखंड की रामलीला, खासतौर से कुर्मांचली रामलीला, इसकी सबसे बड़ी जो खासियत है कि आप अभिनय के साथ जो गायकी है जो आप दिखाते हैं अभिनय के संग गायकी, तो एक मेरे ख्याल से पूरे भारतवर्ष में ये एक ऐसा स्टेज है कि जहाँ पर गायकी के संग अभिनय को मंचन किया जाता है। और देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर, आपको बता दें मौसम विभाग ने जारी किए हैं निर्देश। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। प्रदेश के 6 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई। बागेश्वर, चमोली, चंपावत, नैनीताल, पौड़ी और पिथौरागढ़ में अलर्ट घोषित किया गया है। मौसम विभाग ने लोगों को एहतियात बरतने की सलाह भी दी। मौसम विभाग ने जारी किया है अलर्ट। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता पवन दीक्षित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, मौसम विभाग ने चेतावनी दी है, क्या कुछ प्रशासन की तरफ से भी इंतजाम किए गए हैं? मौसम विभाग ने लोगों से एहतियात बरतने की सलाह भी दी है। पिथौरागढ़ में नेशनल हाईवे 125 पर 2 दिनों से हो रही लगातार बारिश के कारण एक भूस्खलन से मार्ग अवरुद्ध हो गया है, जिससे लोगों को आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं प्रशासन और सेना की टीम मार्ग पर खोलने में जुट गई है और JCB द्वारा धीरे धीरे करके मार्ग साफ किया जा रहा है। प्रशासन की कड़ी मशक्कत के बाद मार्ग को आवाजाही के लिए खोल दिया गया है।
रोजाना डेंगू के बढ़ते मामलों को देखते हुए अब फॉगिंग का मोर्चा बायोलॉजिकल मेडिसिन की टीम को संभाल दे दिया गया है। महामारी का रूप लेते हुए डेंगू को रोकने के लिए जिलाधिकारी नैनीताल ने राजधानी दिल्ली से बायोलॉजिकल मेडिसिन की एक टीम हल्द्वानी बुला ली है। टीम जिले के मलेरिया विभाग के साथ मिलकर शहर के अनेक जगहों में फॉगिंग करेगी। यही नहीं, टीम अगले कुछ दिनों में शहर में मौजूद रहेगी और डेंगू के प्रभाव पर भी नजर रखेगी। जिन दवाओं का छिड़काव शहर में होगा वह खतरनाक रसायन नहीं होंगे बल्कि जैविक दवाओं का प्रयोग होगा। खास तौर पर कोल्ड फॉगिंग की जाएगी। आपको ये बताना चाह रहा था सर, मैं हम लोग जितनी भी दवाइयों के लिए फॉगिंग कर रहे हैं, जो डेंगू के लिए हम लोग कार संभाल रहे हैं यहाँ पर, तो ये जितनी भी दवाइयाँ हमारी सारी जो हैं ऑर्गेनिक बेस्ड हैं सारी, और एक तरह से देखा जाए तो एक एरोमेटिक ऑयल्स हैं सर। हम इसको पानी मिला के फॉगिंग कर रहे हैं क्योंकि आपको पता सर डीजल जो है पॉल्यूशन जनरेट करता है और पानी जनरेट नहीं करता खूब पॉल्यूशन। ये जितनी भी दवाइयाँ सारी हमारी नॉन टॉक्सिक इको फ्रेंडली हमारी सर दवाइयाँ, ये सबसे अच्छी बात है सर, ये हार्मफुल नहीं है हम लोगों के लिए। हम लोग कई शहरों में, कई नगर पालिकाओं में हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं, हम लोग कई स्टेट्स में हम लोग काम कर रहे हैं। डीएम साहब ने हमें स्पेशली काम के लिए बुलाया था यहाँ पर, तो हमने इस चीज़ को देखा कि हम लोगों ने यहाँ पे कैसे किस तरह से काम करना है, किस तरह से चीज़ें बतानी है, तो हम लोग ट्रेनिंग भी दे रहे हैं यहाँ पर, लोग हम काम करवा भी रहे हैं यहाँ पर और काफ़ी चीज़ें कंट्रोल भी हो रही हैं धीरे धीरे। आरक्षण और रोस्टर में हुए बदलाव को लेकर उत्तराखंड में एससी एसटी एम्प्लॉयज फेडरेशन ने नगर निगम टाउन हॉल में एक प्रदेश स्तरीय बैठक का आयोजन किया, जिसमें फेडरेशन से जुड़े कार्यकर्ताओं और समाज के लोगों ने सरकार द्वारा किए गए बदलाव का पुरजोर विरोध किया है। फेडरेशन के प्रांतीय अध्यक्ष करम राम ने बताया है कि जिस तरीके से एक के बाद एक सरकार एससी एसटी विरोधी फैसले ले रही है, पहले आरक्षण खत्म कर दिया और अब रोस्टर में छेड़खानी कर रही है, इसका वे पुरजोर विरोध करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि रोस्टर व्यवस्था में छेड़छाड़ करने से कम सरकार को हमसे वार्ता कर लेनी चाहिए। यह कतई भी उचित नहीं है कि विशेषाधिकार का हनन किया जाए। तब से जताना स्वाभाविक है, मंत्री जी उनकी जिम्मेदारी समाज से है। माननीय मंत्री जी यशपाल आर्य साहब इस समाज के प्रतिनिधि हैं, इस समाज से गए हैं, समाज का जो एक हक है उनको मिला है, तो मंत्री जी का स्वाभाविक नाराज होना उनका बिल्कुल स्वाभाविक होना भी चाहिए और उनको तो और ज्यादा कड़ा कदम अभी उठाने की आवश्यकता पड़ेगी मुझे ऐसा लगता है। अगर सरकार इस तरह से टाल मटोल करेगी, इधर आपने उसी दिन 11 तारीख को आदेश जारी किया और 13 को आपने जो है वो कर दिया, सीधे आचार लग गई और इधर कह दिया कि हम उप समिति बना रहे हैं। अगर उप समिति, मेरा आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध है, यदि आपने उप समिति बना रखी अच्छी बात है, उप समिति का इंतजार किया जाएगा, लेकिन तब तक ये रोस्टर व्यवस्था जो 11 तारीख का जो रोस्टर है वो बिल्कुल उसको स्थगित रखा जाएगा। टिहरी जिले में इंजीनियर्स डे पर डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ ने जिला अस्पताल बौराड़ी में रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। रक्तदान शिविर का उद्घाटन नई टिहरी पालिका अध्यक्ष सीमा कृषाली ने किया है। इस मौके पर इंजीनियर्स महासंघ ने जनता से अपील करी है कि समय समय पर रक्तदान किया जाना चाहिए ताकि हम भी किसी की जान बचाने में भागीदार बन सके। इंजीनियर्स महासंघ के अध्यक्ष प्रमोद नेगी ने बताया है कि रक्तदान शिविर डॉक्टर मोक्ष गुणम विश्व वैरिया के जन्मदिवस पर हर वर्ष आयोजित किया जाता है और इस वर्ष भी ब्लड कैंप आयोजन पर डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ के 80 से ज्यादा इंजीनियरों ने ब्लड कैंप में शामिल हुए। इंजीनियर डे का कार्यक्रम है वो हमारे पूर्व में एक इंजीनियर हुआ करते सर एम विश्वेश्वरैया जी, जो उनका जन्म 15 सितंबर 1860 को हुआ था, उनके जन्मदिवस के शुभ अवसर पर हम लोग यहाँ पर इंजीनियर डे मनाते हैं क्योंकि उन्होंने अपने जो कार्यकाल में 101 साल के कार्यकाल में जो उन्होंने उपलब्धियाँ ली थी वो बहुत ही गजब की उपलब्धियाँ थी, बहुत ही अच्छी उपलब्धियाँ थी। उन्होंने कृष्ण सागर बांध की स्थापना की थी और उनको भारत रत्न की उपलब्धि से भी नवाजा गया था, तो उस उपलक्ष्य में यहाँ पर प्रदेश के नहीं पूरे प्रांत से लेकर पूरे भारत में इंजीनियर डे मनाया जाता है। इसमें जो हमारे सभी इंजीनियर्स हैं बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। मंगलौर क्षेत्र में नशे के बढ़ते कारोबार को देखते हुए एसएसपी हरिद्वार सख्त हो गए हैं। उन्होंने मंगलौर पुलिस को नशे का कारोबार करने वाले आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने के निर्देश दे दिए हैं। एसएसपी के बाद निर्देश में मंगलौर पुलिस में हड़कंप मच गया है। पुलिस ने शनिवार देर रात ही नशे का काला कारोबार करने वाले आरोपियों के खिलाफ धरपकड़ शुरू कर दी।
मंगलौर पुलिस ने छापेमारी कर युवक से 7.5 ग्राम अवैध स्मैक बरामद करी है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत हजारों रुपए में आंकी जा रही है। वहीं पुलिस ने एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। मंगलौर ही नहीं, लगभग सभी छोटे कस्बे और बड़े शहर इसके चपेट में आ रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए SSP महोदय द्वारा एक विशेष ड्राइव नशे के संबंध में चलाया गया है। कोतवाली मंगलौर की पुलिस द्वारा एक नावेद नाम के व्यक्ति को मंगलौर से स्मैक के साथ पकड़ा गया है। इसकी पहले से भी कई शिकायतें हैं। इसके अलावा नशे के संबंध में कार्रवाई करते हुए 5 आबकारी अधिनियम के तहत 5 लोगों को और बंद कर दिया गया है और यह अभियान कप्तान साहब के निर्देशानुसार आगे भी जारी। और देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर, सेवा सप्ताह कार्यक्रम का आयोजन। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट ने लगाई झाड़ू। सांसद माला राज लक्ष्मी श्याम समेत पदाधिकारी रहे मौजूद। पीएम मोदी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में सेवा सप्ताह मनाया जा रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, देखते रहिए KNews India। नमस्कार।